बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस्लामियात जमात हारम पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड कर रहे हैं। इसका हमने चैप्टर बाब नंबर हफ्तम बाब हफ्तम इस्लामी तलीमात और हज़र के तकाजे ये स्टार्ट किया हुआ। आज इसके हमने टॉपिक नंबर टू करना है, पानी की अहमियत। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और मशक भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। टॉपिक नंबर टू, पानी की अहमियत। पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, हर जानदार शय इसकी मोहताज है। पानी के बगैर ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती। रोज़मर्रा के अक्सर कामों के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, गुस्ल के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस नेमत के खालिक हम हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम पानी का इतना वसी इंतज़ाम कर सकते। अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जमा, और हम पानी से भरी हुई हवाएँ बेचती हैं, फिर हम आसमान से पानी नाजिल फरमाते हैं, फिर हम ही तुम्हें वो पानी पिलाते हैं और तुम उसका ज़खीरा करने वाले नहीं हो। सूरह अल-हज्र आयत 22। ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने पानी को पीने के काबिल बनाया। अगर पानी कड़वा होता या नमकीन होता तो इसका पीना मुमकिन नहीं था। पानी अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि इस पर इंसान अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र अदा करे काम है। हमें पानी को किसी सूरत भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। सूरह अल-इराफ आयत 31। तर्जुमा, बेशक वो अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। नबी अकरम खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम ने हमें ज़िंदगी बसर करने का जो अदब सिखाया है उसके मुताबिक हमें अल्लाह ताला की नियमतों से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए और इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। नबी अकरम खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम वज़ू और गुसल के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करते थे। एक मरतबा हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु वज़ू कर रहे थे, खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ तो आप खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद इसराफ न करो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या वज़ू में भी? क्या वज़ू में भी है? आप खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम ने फरमाया, हाँ अगर से तो बहती नहर पर हो। मौजूदा दौर में दुनिया को पानी की कमी का सामना है। दुनिया की ज़्यादातर आबादी को पानी पीने के लिए पानी साफ पानी मुयस्सर नहीं है। पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क को भी पानी की शदीद कमी का मसला दरपेश है। इसलिए पानी को ज़ाया करना और गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना एक बुरा फेल है। जिस तरह इसी तरह दूसरा मसला जिसका हमें सामना है वो है पानी की आलूदगी। हमें गंदी चीज़ें पानी में नहीं फेंकनी चाहिए। निकासी के नाकस निज़ाम और दरियाओं में शहरों का गंदा पानी डालने की वजह से बेशतर जगहों का पानी आलूदा हो चुका है। पानी की आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ये मुसलमान की हैसियत से हमारा फर्ज है कि नबी करम खातमुन नबीय सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम की हदायत के मुताबिक पानी को आलूदा करने और ज़ाया होने से बचाएं। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, सिर्फ ज़रूरत के तहत पानी इस्तेमाल करेंगे, पानी को साफ रखने का अहतमाम भी करेंगे। और स्टूडेंट इसकी मशक स्टार्ट करते हैं। मशक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हाँ, मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे मेरे मुझे हौसला मिलता है। तो आई मशक स्टार्ट करते
इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त प्रॉपर्टी का निशान लगाएं। नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन से फरमाया कि वजू में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इसराफ है? अलिफ हज़रत सार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जीम हज़रत साईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दाल हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसमें हम अलिफ टिक करेंगे, हज़रत सार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वजू में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इसराफ है। हाँ, इसके बाद बे हर जानदार के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, पानी गाड़ी साया घर। तो अलिफ पर टिक करेंगे, पानी हर जानदार के ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है। और जी में मौजूदा दौर में दुनिया को कमी का सामना है, गर्मी की, हवा की, पानी की और सर्दी की। तो जी पर टिक करेंगे, पानी की कमी का सामना है मौजूदा दौर में दुनिया को ना। नेक्स्ट, पानी की आलूदगी से पैदा हो रही है रुकावटें, मुश्किल, बीमारियाँ, दूरियाँ। तो ये हम जीम पे टिक करेंगे, बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं पानी की आलूदगी की वजह से, जीम पे टिक करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। अलिफ, अल्लाह ताला की डैश को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा, अल्लाह ताला की नीमतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत बहुत डैश होती है। तो यहाँ पे लिखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, अल्लाह ताला की नियमतों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर इनको डैश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा, अल्लाह ताला की नियमतों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू और डैश के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करते थे। तो इसमें आएगा, नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू और गुसल के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट, पानी का गैर इस्तेमाल करना एक डैश फेल है। तो इसमें आएगा, पानी का गैर इस्तेमाल करना एक बुरा फेल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझसे जवाब लिखे शॉर्ट क्वेश्चनों के आंसर हमने लिखने। तो इसमें अलिफ क्वेश्चन है, पानी की अहमियत मुख्तसरन बयान करें। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, पानी की अहमियत आपने मुख्तसरन बयान करनी। पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, हर जानदार शय इसकी मोहताज है, पानी के बगैर ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती। रोज़मर्रा के अक्सर कामों के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, गुसल के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस नेमत के खालिक हम हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम इतना वसी इंतज़ाम कर सकते। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, और हमने तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। यह आंसर में आपने ये लिखना। अब एक क्वेश्चन है, इंसान को पानी की नियमत पर किसका शुक्र अदा करना चाहिए? तो इसका आंसर में लिखेंगे, इंसान को पानी की नियमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जी माजर साल रजल तारों को नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत की थी? तो इसमें लिखेंगे, हज़रत सार रज़ी अल्लाह तआला को नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबीहि वसल्लम को नसीहत की कि ऐसा इसराफ ना करो। हज़रत सार रज़ी अल्लाह तआला ने अर्थ किया है, अल्लाह के रसूल, क्या वज़ू में भी है? आप खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर से तुम बहती नहर पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के ज़िया से बचने के लिए नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हदायत दी? तो इसके आंसर में लिखेंगे, पानी के ज़िया से बचने के लिए नबी अकरम खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी, वो मदरजा ज़ैल है। उसमें नंबर 1 पे आप लिखेंगे कि पानी को ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें, और दूसरी जो हदायत थी हदायत है वो है, वज़ू और गुसल के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर 3 पे आपने लिखना है कि पानी को आलूदा और ज़ाया करने से बचाएं। ये आपने इस आंसर में हदायत लिखनी है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तफसीली जवाब लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आगे इनके आंसर लिखने, तो इसमें अलिफ है, मौजूदा दौर में दुनिया को पानी के हवाले से किन मसाइल का सामना, इसके आंसर में आप लिखेंगे। इसके आंसर में आपने लिखना है, मौजूदा दौर में दुनिया को पानी की कमी का सामना है, दुनिया की ज़्यादातर आबादी को पीने के लिए साफ पानी मुयसर नहीं है, पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क को भी पानी की शदीद कमी का मसला दरपेश है, इसलिए पानी को ज़ाया करना और गैर इस्तेमाल करना एक बुरा फील है। इसी तरह दूसरा मसला जिसका हमें सामना है वो पानी की आलूदगी है, हमें गंदी चीज़ें पानी में नहीं फेंकनी चाहिए, निकासी के नाकिस निज़ाम और दरियाओं में शहरों का गंदा पानी डालने की वजह से बेशतर जगहों का पानी आलूदा हो चुका है, पानी की आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक मुसलमान के सिर से मारा फांसकर नबी अकरम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक पानी का आलूदा करने और ज़ाया होने से बचाएँ। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखा। अब ये क्वेश्चन है, पानी इस्तेमाल करने के आदाब बयान करें, इसमें आपने पानी के आदाब लिखने हैं, इसमें आप इसके आंसर में लिखेंगे पानी के आदाब जो है वो दर्ज है ना, इसमें नंबर 1 पे आप लिखेंगे कि पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और नंबर 2 सिर्फ ज़रूरत के तहत पानी इस्तेमाल करें, और नंबर 3 पानी को साफ रखने का एहतमाम करें, इस बात का ख्याल रखें कि पानी कहीं आलूदा तो नहीं है, पानी नंबर 4 पानी को उबाल कर पिए, और नंबर 5 पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बुरा फेल है, और नंबर 5 पानी को गंदा पानी में जो है वो गंदी चीज़ें जो है वो नहीं फेंकनी चाहिए। और नंबर 6 ये है कि निकासी के नाकिस निज़ाम और दरियाओं में जो है वो शहरों का जो गंदा पानी, जो सनतों का पानी होता है गंदा, वो हमें दरियाओं और समंदरों में नहीं फेंकना चाहिए, इससे पानी आलूदा हो जाता है, और जो आबी जानवर हैं उनको उनकी सेहत को बहुत ख़तरात लाहक हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक नंबर 2 पानी की अहमियत ये ख़त्म हुआ, इसकी हमने रीडिंग भी की और मशक भी, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।